इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। न्यूज बुलेटिन में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज नौवां सवाल। बिहार कोकिला के नाम से पहचान बनाने वाली गायिका का नाम क्या है? ए कल्पना, बी अंतरा सिंह, सी मैथिली ठाकुर, डी शारदा सिन्हा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू खास मुलाकात। बिहार में लगातार कोविड विस्फोट, अब मुंगेर में भी 7 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा। बिहार के विभिन्न जिलों में कोरोना की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। कोविड 19 संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए भागलपुर, किशनगंज, पटना के बाद अब मुंगेर में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जिलाधिकारी राजेश मीणा ने मुंगेर में 10 जुलाई से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। ना कोई पुलिसिंग और ना ही चेकिंग, फिर भी खामोश रहा शहर। जिलाधिकारी द्वारा घोषित लॉकडाउन के प्रथम दिन नौगछिया शहर में पुलिसिंग के नाम पर महज 2 जगह नौगछिया हाई स्कूल के पास 1 सिपाही और पश्चिम केबिन के पास 4 से 5 की संख्या में होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई थी, लेकिन शहर पूरी तरह से खामोश रहा। शहर में एक भी दुकानें खुली नहीं दिखी। दोपहर बाद सब्जियों की दुकान खुली जरूर थी, लेकिन खरीदारों की संख्या काफी कम थी। शहर में सिर्फ आवश्यक सेवा की दुकानें खुली हुई थी। लॉकडाउन के प्रथम दिन लॉकडाउन के नियमों के पालन कराने को लेकर पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी भी शहर में देर शाम गतिविधि में दिखे। पदाधिकारी के टीम के द्वारा इस दौरान मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई भी की गई। वहीं नौगछिया शहर में गुरुवार को कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन के नेतृत्व में शहर में सख्ती से लॉकडाउन पालन हो इसके लिए जांच अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने शहर में 31 ऐसे लोग जो बिना मास्क लगाए शहर में गतिविधि कर रहे थे, उन लोगों को जुर्माना भी किया गया। नौगछिया में बुधवार को संक्रमित पाए गए 10 लोगों ने कोविड सेंटर जाने से किया इनकार। नौगछिया में बुधवार को संक्रमित पाए गए 21 लोगों में से मुमताज मोहल्ले के 10 कोरोना संक्रमित लोगों ने कोविड सेंटर जाने से साफ मना कर दिया है। नौगछिया अनुमंडलीय प्रशासन द्वारा गुरुवार को पूरी कोशिश की गई कि सभी संक्रमित लोग कोविड सेंटर जाने को तैयार हो जाएं, लेकिन बार बार प्रयास किए जाने के बावजूद संक्रमित हुए लोगों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वे लोग घर पर ही ठीक हो जाएंगे। बताते चलें कि नौगछिया अनुमंडलीय प्रशासन द्वारा 3 बार मुमताज मोहल्ले में एम्बुलेंस भेजा गया, लेकिन 3 बार एम्बुलेंस बेरंग नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लौट आया। थक हार कर नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर नौगछिया थाने का एक गश्ती दल भी मुमताज मोहल्ला जाकर सभी संक्रमित लोगों को इलाज के लिए कोविड सेंटर जाने को कहा, लेकिन संक्रमित लोगों ने पुलिस की बात को भी मानने से इनकार कर दिया है। देर रात समाचार लिखे जाने तक सभी संक्रमित 10 व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन अस्पताल ले जाने में सफल नहीं हो पाए थे। वहीं दूसरी तरफ 10 संक्रमित लोग मोहल्ले में रह रहे हैं, इससे आम लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया है। अधिकांश लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पूछे जाने पर नौगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल की तरफ से संक्रमित लोगों को कोविड सेंटर ले जाने की काफी प्रयास किया गया, लेकिन वे लोग मानने को तैयार नहीं है। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया थाने के थानाध्यक्ष दयानंद ने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई सूचना नहीं है, वे तुरंत मामले की पहल करेंगे। नवगछिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 3 कर्मी, अस्पताल के 2 कर्मी समेत 10 कोरोना संक्रमित। नौगछिया में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को भी नौगछिया में 10 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित लोगों में इस बार नौगछिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 3 पुलिसकर्मी, पुलिस लाइन से 1 व 2 अस्पताल कर्मी और मुमताज मोहल्ला से 4 व्यक्ति शामिल हैं। सबों की जांच रिपोर्ट आते ही हरकत में आई। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल प्रशासन द्वारा सबों को मायागंज अस्पताल भेजने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जानकारी मिली है कि गुरुवार को वही व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं जो पिछले दिनों संक्रमित हुए लोगों के प्रत्यक्ष संपर्क में थे। दूसरी तरफ नौगछिया शहर का मुमताज मोहल्ला कोरोना हब बनता जा रहा है। अब तक मुमताज मोहल्ला से 15 से अधिक संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। खतरनाक हो गई है नौगछिया के NH 31 मकनपुर चौक से पूर्वी केबिन जाने वाली सड़क। आम लोगों ने पदाधिकारी से लगाई गुहार। नौगछिया के NH 31 मकनपुर चौक से पूर्वी केबिन तक जाने वाली PWD सड़क की स्थिति काफी नारकीय हो गई है। रोज
लोग यहां हादसे का शिकार हो रहे हैं। मानसून से पहले सड़क जंजर थी, लोग किसी तरह यात्रा कर रहे थे, लेकिन यहां की स्थिति कीचड़मय हो गई है। खासकर साइकिल, ई रिक्शा और मोटरसाइकिल के लिए यह सड़क काल बन गई है। उपरोक्त वाहन यहां अक्सर हादसे के शिकार हो जाते हैं। कहीं कहीं तो स्थिति ऐसी है कि सड़क पर बने गड्ढे में 1 से 3 फीट तक पानी भर गया है। अनजान वाहन चालक यहां अक्सर हादसे के शिकार हो जाते हैं। यह सड़क काफी महत्वपूर्ण है। नौगछिया बाजार, अनुमंडलीय अस्पताल, थाना व अन्य स्थान जाने का यह मुख्य मार्ग है। आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने स्थानीय पदाधिकारियों से सड़क को चलने लायक बनाने की मांग की है। श्री यादव ने कहा कि अगर जल्द से जल्द सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया तो आजाद हिंद मोर्चा के बैनर तले आंदोलन किया जाएगा। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी, स्परों पर बढ़ा दबाव। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण इस्माइलपुर बिंटोली के बीच विभिन्न स्परों पर दबाव बढ़ते जा रहा है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्पर संख्या 4 के निकट पानी का दबाव काफी बन रहा है। बाढ़ संघर्षात्मक बल के अध्यक्ष के निर्देश के आलोक में सभी संवेदनशील स्परों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। नारायणपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मनाया 72वां स्थापना दिवस। नारायणपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नारायणपुर इकाई के तत्वाधान में नगरपारा उत्तर पंचायत के नारायणपुर गांव में दुर्गा मंदिर परिसर चौहद्दी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 72वां स्थापना दिवस झंडोत्तोलन कर मनाया। झंडोत्तोलन में नगर अध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार व नगर मंत्री सुशांत कुमार के द्वारा फहराया गया। मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमित कुमार यादव, जिला संयोजक पंकज कुमार, ज्योतिष कुमार, मुकेश कुमार यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। नारायणपुर के भवानीपुर से प्रेमी के साथ महिला फरार। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर बाजार से 10 माह के बच्चे को लेकर प्रेमी के साथ नवविवाहिता का फरार होने का मामला प्रकाश में आया है। आशय की जानकारी देते हुए भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि घटना को लेकर महिला के पति राजकुमार शर्मा ने कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के बसगाड़ा निवासी ब्रह्मदेव शर्मा के पुत्र विकास शर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला से छेड़खानी के आरोपितों को कदवा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगानगर कदवा निवासी महिला के साथ मारपीट कर छेड़खानी करने के आरोप में कदवा पुलिस ने कांड संख्या 37/20 के तहत गुरुवार को वहां के आरोपित युवक किशन मंडल के पुत्र दुखन मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। नवगछिया में नौकरी नहीं मिलने से परेशान युवक ने दे दी जान। नवगछिया थाना क्षेत्र के मनिया मोर उजानी के एक बेरोजगार युवक ने खुद ही फंदा लगाकर जान दे दी। युवक की पहचान मधेपुरा जिले के पुलौत निवासी मोहम्मद शाहनवाज उर्फ सन्नी के रूप में की गई है। युवक अपने पूरे परिवार के साथ मनियामोर के मशहूर खान के यहां किराए पर रहता था। सूचना मिलते ही पुलिस ने सबको जब्त तो कर लिया, लेकिन परिवार वालों ने किसी भी तरह की पुलिसिया कार्रवाई करवाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने परिवार वालों की बातों को मानकर सबको सुपुर्द कर दिया। जानकारी मिली है कि युवक पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान हुआ करता था। देर रात वह सड़कों पर घूमता रहता था और अपने ही परिजनों और दोस्तों से भी दूर दूर रहता था। गुरुवार की सुबह उसने पहले दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, फिर अपना जान दे दिया। परिजनों का कहना है कि युवक नौकरी की तलाश में था। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप, नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 88-73-97-36-80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371-1787-732505-2437 पर। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। बैग चॉइस महेंद्र लस्से वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294-855-586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।